हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की वीडियो में हम संवाहक अर्थात वेक्टर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डीएनए पुनर्संयोजन की विधि के बारे में बताया था कि किस प्रकार से प्रतिबंधन एंजाइम्स खंड डीएनए के खंड को कहां से वह काटता है और कौन कौन से जो क्षारक हैं उनके बीच में जाकर के वह क्रिया करता है। इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करेंगे हम प्रमुख क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से होते हैं, संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर इनको हम कहें। आज हमारा टॉपिक यही है, संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग संवाहक परीक्षा में परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संवाहक अर्थात वेक्टर। वेक्टर को आप लोग अपनी भाषा में संवाहक को समझते हैं, एक खंड एक खंड का दूसरे खंड में जाने की जो प्रक्रिया है या एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने और ले जाने वाला संवाहक कहलाता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जीवाणुओं में जो फॉरेन डीएनए खंड होते हैं, जो दूसरे के डीएनए के खंड होते हैं या जो जीन्स को वहन करते हैं, जीन्स को वहन करके उसे दूसरे जीव में जो स्थानांतरित करने वाले डीएनए को, फिर से समझिएगा कि दूसरे एक फॉरेन डीएनए खंड है जीवाणुओं में, फॉरेन डीएनए खंड या जीन्स को वहन करके उसे दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाले डीएनए के खंड, या उसी को डीएनए का खंड कहा जाए या क्लोनिंग वेक्टर कहा जाए या जीन की वाहक अर्थात कैरियर ऑफ जीन भी कहा जाता है, जो उन खंडों को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने में या लाने ले जाने का जो कार्य करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि गुणसूत्रों का भी खंड या डीएनए का खंड या जीन। तो आपको पता है कि जो डीएनए होते हैं हर जीवधारी के अंदर एक पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, और उसी में कई प्रकार की विकृति भी पाई जाती हैं और कई प्रकार के डीएनए अर्थात गुणसूत्र उसमें कई प्रकार के हमको विकृति भी देखने को प्राप्त होती है। गुणसूत्र आपको पता है कि जो 23 पेयर में गुणसूत्र होते हैं उनके खंडों में कई प्रकार के अप्रत्याशित उत्परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण कई प्रकार के बदलाव या परिवर्तन हमको देखने को प्राप्त होते हैं। तो जब हम डीएनए पुनर्संयोजन खंड पुनर्संयोजन की बात करते हैं तो वहां पर कई खंडों को अदला बदली कर दी जाती है या क्रॉसिंग ओवर किया जाता है, जीन विनिमय की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी के आगे बढ़ते हुए हम यहां पर संवाहक क्लोनिंग का अध्ययन करते हैं कि लाने ले जाने वाला कौन कहलाएगा, वाहक कहलाएगा। तो वाहक की सहायता से एक जीव का वांछित जीन, एक जीव का हम पहले क्या लेते हैं, वांछित जीन की हमको आवश्यकता है। तो वाहक की सहायता से वांछित जीन, जिस जीव के हमको जीन की आवश्यकता है उस वांछित जीन किसी दूसरी कोशिका के जीनोम में प्रविष्ट कराकर, समझिएगा यहां पर लाइन को, कि वाहक की सहायता से एक जीव का वांछित जीन दूसरी कोशिका के जीनोम में प्रविष्ट करा करके हम काइमेरिक या संकर हाइब्रिड या पुनर्योगज डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। एक जीव का वांछित जीन को दूसरी कोशिका में प्रविष्ट करा करके जैसा हम जीन या जैसा डीएनए का खंड चाहते हैं वैसा हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं प्लाज्मिड्स फेज, किस्मिड्स एवं कृत्रिम गुणसूत्र। ये जो तीनों हैं, प्लाज्मिड, किस्मिड्स और कृत्रिम गुणसूत्र, ये तीनों महत्वपूर्ण वेक्टर हैं डीएनए, वेक्टर डीएनए है। मतलब ये तीनों वेक्टर का काम करते हैं, प्लाज्मिड, कृत्रिम गुणसूत्र और किस्मिड्स। ये कैसे हैं, ये वेक्टर डीएनए है। तो जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टर्स या संवाहक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उनके गुणों की बात करते हैं। तो एक अच्छे वाहक का पहला गुण होता है कि वाहक जो होता है वह वाहक डीएनए में फॉरेन डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु
उसमें एक सक्रिय स्थल होना चाहिए जहां पर वह उन दोनों खंडों को आपस में जोड़ सके, संवाहक में गुण होना चाहिए। दूसरा, सेल्फ रिपब्लिकेशन, द्विगुणन की क्षमता, उसमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए अच्छे वाहक में। और इसमें पोषक कोशिकाओं के अंदर भी, मतलब जिस कोशिका के अंदर जब इनको पहुंचाया जाता है तो उस कोशिका के अंदर भी यह द्विगुणन की क्षमता इनके अंदर पाई जानी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे एक अच्छे वाहक, एक संवाहक, एक वेक्टर के कौन कौन से गुण होने चाहिए और वेक्टर का काम क्या है, डीएनए के खंड को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। इसी के अंतर्गत एक जीन और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करिए। रिपोर्टर जीन जो होता है यह वर्ण योग चिन्हक या सेलेक्टेबल मार्कर की तरह प्रयोग किया जाता है। और रिपोर्टर जीन जिस जीन को हम एक रिपोर्टर जीन एक ऐसा जीन है जिसको हम संकेत के रूप में रखते हैं जिससे हमको पता चल जाता है। क्या पता चलता है संकेत से, क्या पता चलता है? तो रिपोर्टर जीन का काम संकेत चिन्ह का ही है कि वह भी हमको एक संकेत देता है। वह यह संकेत देता है कि जिस कोशिका में आपने डीएनए के खंड को पहुंचाया या जिस उस किसी जीव की दूसरी कोशिका में हमने उस डीएनए खंड या जीन को यदि हमने पहुंचाया है तो उस कोशिका ने उस खंड को ग्रहण कर लिया कि नहीं किया है, यह बताने वाला कौन होता है? रिपोर्टर जीन होता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा, रिपोर्टर जीन के द्वारा जीव में अभिव्यक्त लक्षण आसानी से यह अपने आप में शो कर देता है, अपने लक्षण यह दिखा देता है कि उस जीव में अभिव्यक्त जो लक्षण हैं उनको आसानी से हम देख सकते हैं या उनको हम माप सकते हैं और हमको यह पता चल जाता है कि अमुक जीव ने उस खंड को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। जेलीफिश की ग्रीन फ्लोरसेट प्रोटीन GFP, ग्रीन फ्लोरसेट प्रोटीन की जीन, अब इसको एग्जांपल दे रहा है, जो कोशिकाओं को नीले प्रकाश में हरी दिखाती है। कोशिकाओं को प्रकाश में, नीले प्रकाश में कैसा दिखता है वह कोशिका? हरा दिखाई देता है। एंजाइम ल्यूसिफरेज की जीन, एंजाइम गैलेक्टोसाइट की जीन जो कोशिका को यह नीला रंग प्रदान करती है, ये सब रिपोर्टर जीन का काम करते हैं। कुछ उदाहरण हैं जो रिपोर्टर जीन का काम करते हैं, तो पहला है क्लोनिंग वेक्टर्स, संवाहक जो होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स, विषाणु, कास्मिड्स और कृत्रिम क्रोमोसोम, ये चार अच्छे वेक्टर का कार्य करते हैं, अच्छे संवाहक होते हैं जो एक खंड से दूसरे खंड में लाने ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहां पहली बात आती है प्लाज्मिड के बारे में। कोशिकाओं में प्रायः अतिरिक्त गुणसूत्री एवं बाह्य नाभिकीय डीएनए के रूप में प्लाज्मिड पाया जाता है। यह आपको ही पता है कि यह प्लाज्मिड बाह्य नाभिकीय डीएनए के रूप में पाया जाता है जो कि द्विसूत्री एवं वलयाकार होता है। मैं यहां पर प्लाज्मिड की बात कर रहा हूं। प्लाज्मिड क्या है? एक अच्छा वेक्टर है। तो यहां पर वह प्लाज्मिड जो है द्विसूत्री और वलयाकार होता है और सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणु के अतिरिक्त ये ईस्ट में भी और मटर के अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में भी प्लाज्मिड पाया जाता है। स्टीरिया कोलाई का नाम हम पहले ले चुके हैं। स्टीरिया कोलाई के प्राकृतिक प्लाज्मिड में विकसित पीबीआर 322 व PUC10, ये अलग अलग प्रकार हैं PBR और PUC10, ये प्लाज्मिड्स के ही बहुत एक अच्छे वाहकों की श्रेणी में आते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? स्टीरिया कोलाई में प्राकृतिक प्लाज्मिड से विकसित PBR 332 और PUC10 ये एक अच्छे वाहक हैं और इन प्लाज्मिड्स में क्लोनिंग करने हेतु निम्नलिखित इन प्लाज्मिड्स में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए अच्छे वाहक का कार्य करने हेतु। तो पहला इनमें गुण क्या बताता है? पहला गुण द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा वर्ण या चुनने योग्य चिन्हक और तीसरा पॉइंट है क्लोनिंग स्थल। एक अच्छे वाहक में ये गुण होने चाहिए कि वह यह कार्य कर सके।
दूसरा हमने बात की थी विषाणु की। विषाणु जो होते हैं ये विषाणु संवाहक के रूप में कार्य करते हैं, वांछित जीन को जीवाणु में पहुंचाने के लिए जीवाणु विषाणु बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको अच्छा संवाहक माना जाता है, अच्छा वेक्टर माना जाता है विषाणुओं को भी। तीसरा है कास्मिड्स, ये संकरवाहक होते हैं, हाइब्रिड वेक्टर कहा जाए इनको, संकरवाहक होते हैं और जिनमें प्लाज्मिड डीएनए अपने साथ अल्फा फेज या का कॉस्ट साइड, अल्फा फेज का कॉस्ट साइड भी धारण किए हुए होता है। अर्थात कॉस्मिड की हम बात करते हैं कॉस्मिड, तो कॉस्मिड में कॉस्ट साइड ऑफ अल्फा, अल्फा को यदि हम बात करें ए के समान जो संरचना बनती है, अल्फा फेज प्लस प्लाज्मिड्स, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथा वह अच्छा वेक्टर है कृत्रिम क्रोमोसोम, ये समानतः 100 केवी के 100 केवी इक्वल टू, यदि 100 केवी को हम अध्ययन करते हैं तो 1000 बेस पेयर बराबर 1 केवी होता है, उसी को बोलता है 100 केवी। ये मैं कृत्रिम क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, 100 केवी से भी बड़े यह खंड होते हैं और इस सीरिया कोराई के एफ कारक के बैक्स से यह बनाए जाते हैं और ईस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र भी यह कहलाते हैं। तो ये जो चार मैंने बताए ये अच्छे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। परीक्षा में क्वेश्चन आता है संवाहक किसे कहते हैं या क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं, क्लोनिंग संवाहक के अच्छे गुण एवं इनको उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आज का वीडियो आपको निश्चित तौर से इस प्रश्न का उत्तर देने में आपकी मदद करेगा और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।